नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। अम्बा में शासन प्रशासन की लापरवाही से शहीद के बलिदान का अपमान हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अमर शहीद बिस्मिल जी की, जिनकी स्मृति में बनी लाइब्रेरी जर्जर हालत का शिकार हो चुकी है। शहीद बिस्मिल पार्क में हर जगह गंदगी का फैली हुई है और अतिक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है। स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लोहा लेकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि 19 दिसंबर को है। शासन प्रशासन के नेता अफसर समेत समाजवेसी शहीद दिवस पर कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बिस्मिल जी के पैतृक गांव बरवाई में उनको समर्पित पार्क और लाइब्रेरी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। हर साल शासन प्रशासन के लोग उनकी शहादत को जरूर नमन करते हैं, लेकिन उनकी स्मृति में बनी लाइब्रेरी पार्क प्रतिमा की देखरेख करना नहीं भूलते। लाइब्रेरी की छत गिरे 5 साल हो चुके हैं, जिसमें शहीद बिस्मिल से जुड़े साहित्य रखे जाने थे। पार्क में सभा कक्ष बनाया गया था, जिसका निर्माण कार्य नाम मात्र का हुआ है। वहीं पार्क में लगे 3 हैंडपंप में से 2 बंद पड़े हैं, जिससे पार्क धीरे धीरे उजाड़ होता जा रहा है। जब इस मामले में सरपंच विष्णु राठौर से बात की गई तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि शहीद बिस्मिल पार्क और लाइब्रेरी का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से हो रहा है। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 में हुआ था और काकोरी कांड में उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। अभी तो जैसे इसकी साफ सफाई चल रही है और अपना इस सभागार भी बन रहा है, उसका भी काम चालू है और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। शहादत दिवस 19 दिसंबर बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं धूमधाम से। इससे पहले भी सांसद जी आए थे, वो भी यहाँ पे घोषणा कर गए थे अपने सभागार की, फीडर की, एक रोड भी दी थी, रोड भी बनवा दी है हमने। संग्रहालय का काम चल रहा है? संग्रहालय का काम चल रहा है। यहाँ पानी वाने के लिए व्यवस्था है? नहीं, पानी की पूरी तरह सुविधा है। हेडपम्प दूसरा भी लगवाया गया है। क्या शहादत दिवस को यहाँ पूरा गांव धूमधाम से मनाता है? पूरा गांव धूमधाम से मनाता है। अम्बा से अरुण प्रताप सिंह की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।